हेलो दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट की इन्फॉर्मेशन देने वाले चैनल में मैं डॉक्टर नवीन शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिप रिप्लेसमेंट के बारे में समाज में कई तरह के डर हैं। पहली बात तो लोग ये सोचते हैं कि अगर मेरा शरीर भारी होगा तो शायद मैं नहीं करा सकता, या अगर मेरी उम्र ज़्यादा है तो मैं नहीं करा सकता, या मेरी उम्र कम है तो मैं नहीं करा सकता। ये भी डर रहता है कि ये बहुत महंगा ऑपरेशन है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो जाते हैं प्राइवेट अस्पतालों में तो खर्चा 2-3 लाख, 4 लाख, 5 लाख बताया जाता है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, हमारे यहाँ इलाज का जो खर्चा है बहुत ही कम है और इलाज गारंटी से हो रहा है और दूर दूर से लोग इलाज करा के जा रहे हैं। आज भी मेरे साथ एक फाइटर मौजूद है जिनका इलाज मेरे यहाँ हुआ है। आइए इनकी स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। क्या नाम है भैया आपका? तुलसीराम साहू। तुलसीराम जी, आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। आपको कूल्हे में जो खराबी थी वो कैसे आ गई थी? वो 2017 में स्वाइन फ्लू जब हुआ था तो शायद उस समय स्टेरॉइड वगैरह का उपयोग होने कारण। दोस्तों, स्टेरॉइड के लेने की वजह से इनका कूल्हा ख़राब हो गया था। तो तुलसीराम जी, उससे आपको क्या दिक्कत महसूस हो रहा था? मैं नीचे बैठ नहीं पाता था, चलने में दिक्कत थी। कितना चल लेते थे आप? मैं बहुत मुश्किल से 100-200 मीटर। तो आपने आसपास के डॉक्टर्स को दिखाया था, उनका क्या ओपिनियन था? और मैंने दिखाया था बहुत सारी जगह, तो खर्च ज़्यादा था। खर्च ज़्यादा बताया जा रहा था? खर्च ज़्यादा था। तो आपको मेरे बारे में कैसे मालूम चला? मैंने फिर यूट्यूब में आपका चैनल सर्च किया, फिर आपके दिए हुए नंबर पे आपसे बात की। मेरे को बात करके ही संतुष्टि प्राप्त हुई, तो फिर मैं आपसे आके और संपर्क किया, और बस पहले आया 27 को, 28 को आपने ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में कितना दर्द या दिक्कतें आई आपको? कोई दर्द, कोई दिक्कत नहीं। और कितना दिन का बेड रेस्ट लगा आपको? ये आज मेरा 5वें दिन छुट्टी। आपने अस्पताल में मतलब कितने दिन बाद चलना स्टार्ट कर दिया था? मैंने 30वें दिन। तो कोई और आपके मन में तो काफ़ी डर होंगे जब आपने हिप रिप्लेसमेंट कराया कि पता नहीं कितना लेटना पड़ेगा, टैटन पेशाब के लिए मैं दूसरों पे निर्भर हो जाऊंगा। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है, हिप रिप्लेसमेंट कैसी सर्जरी लगी आपको? ये बहुत मतलब जैसी अफवाह है या जितना बड़ा इसको समझा जाता वैसा है नहीं, बहुत छोटी सी सर्जरी मान के चलिए। कोई और लोग हैं जिनको कि हिप रिप्लेसमेंट कराना है, मध्य प्रदेश के हैं, छिंदवाड़ा के हैं, और वो नहीं डिसीजन ले पा रहे पैसों की कमी की वजह से या डर की वजह से या परिवार वाले उनको नहीं करने दे रहे, आपका क्या मैसेज उनके लिए रहेगा? यदि किसी को इस तरह की समस्या है तो उनको मतलब डॉक्टर साहब से संपर्क करना चाहिए, और यूट्यूब में साहब का चैनल है, और मतलब पहली फुर्सत में ऑपरेशन करा देना चाहिए। अच्छा, ये मुझे बताइए कि काफ़ी सारे लोग ये सोचते हैं कि ऑपरेशन से नहीं, चूर्ण चटनी दवाई, टोना टोटका, इंजेक्शन, PRP, ड्रिल होल, इन सब से सही हो सकता है क्या ये? नहीं, ये सब फालतू की बातें हैं, इसमें आप अपना समय और पैसा ही बर्बाद करेंगे। कई बार लोग इस तरह की चूर्ण चटनी खा लेते हैं दोस्तों, जिससे कि उनका शरीर भी ख़राब हो जाता है। तो जब भी आप किसी भी तरह का इलाज कराएं, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास आप जाइए, उनसे ओपिनियन लीजिए। गली में कोई भी मतलब जिसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपने सुनी सुनाई बातों पर कि हाँ वहाँ पर कोई चूर्ण बांटता है उससे मैं सही हो जाऊँगा, वहाँ पर कोई जड़ी बूटी है उससे मैं सही हो जाऊँगा, ऐसा नहीं है, लोग धोखा दे देते हैं दोस्तों। इसलिए क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जब आप जाएंगे तो डेफिनेटली आपको सही ओपिनियन मिलेगी। ठीक है तुलसीराम जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको, और हम कामना करते हैं कि आप सही रहोगे। कुछ टाइम में जब भी आपका बजट बने आप दूसरे साइड के लिए आइएगा। ठीक है, घर पे थोड़ा अपना ध्यान रखिए। जो दोस्तों काफ़ी दिनों से ही नहीं चले थे तो चलने में इनकी सांस भर रही है, वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका स्टेमिना कम हो जाता है। अब हम ध्यान रखें कि अगर इस तरह की अभी बीमारी है ज़्यादा लेट ना करें उसको। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर, बहुत धन्यवाद।